सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की इस नई वीडियो में। एंड गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल के इवेंट को देखने वाले हैं। एंड गाइस इस इवेंट में आप लोगों को एक परमानेंट आउटफिट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी जैसे ही अपने पबजी मोबाइल के अंदर जाओगे तो आप लोग को इवेंट वाले बटन के नीचे जो एरो बना होता है उसके अंदर में ये इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग इधर स्क्रॉल करोगे तो गाइस आप लोग को इधर एक इवेंट मिलेगा जिसका नाम है रिक्रूट, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोग को इधर दिखा देता हूँ तो इसके ऊपर में हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज़ ये है पूरा का पूरा हमारा इवेंट। अब ये जो इवेंट है गाइज 3 तारीख से लेकर के, मतलब 3 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक चलने वाला है। तो आप लोग आराम से सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लोगे। तो इसमें गाइज 2 चीज़ें रहने वाली है। पहला तो ये कि आप लोगों को इसमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, जो कि वो आप लोगों के साथ में मतलब खेले ना खेले वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को उनको इनवाइट करना है, ठीक है। उनको मतलब जैसे हम लोग कोई भी ऐप होता है उसको रेफ़र करते हैं, सेम उसी तरह से आप लोग पबजी मोबाइल को अगर रेफ़र करते हो एक बंदे को तो आप लोग को एक दिन के लिए आउटफिट मिलेगा। अगर आप लोग 3 बंदों को करते हो तो 3 दिन के लिए, 5 को करते हो 5 दिन के लिए, और 7 बंदों को रेफ़र करते हो तो 7 दिन के लिए मिलेगा, ठीक है। सीधा सीधा रेफ़र बोल रहा हूँ, पर अभी आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग को रेफ़र करना है, मतलब इन्वाइट करना है। जैसे हम लोग और ऐप में भी करते हैं ना रेफ़र एंड अर्न, तो उसी तरह से इसमें भी आप लोग करना है। एंड रेफ़र करने पर आप लोग को मिलेगा इधर से एक आउटफिट, ठीक है। तो गाइस अगर ये आउटफिट आप लोग को परमानेंट नहीं चाहिए, कुछ टाइम के लिए चाहिए, तो अगर आप लोग किसी एक बंदे को इनवाइट कर देते हो, ठीक है, अभी बताऊंगा कहाँ से आप लोग इनवाइट करोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। एंड ये भी बताऊंगा कैसे आप लोग परमानेंट कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो इधर लिखा हुआ टोटल 0, मतलब अभी मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया। अगर मैं एक बंदे को इन्वाइट करता हूँ तो मुझे एक दिन के लिए मिलेगा, 3 को करता हूँ 3 दिन के लिए, 5 को करता हूँ 5 दिन, और 7 को करता हूँ तो 7 दिन, ठीक है। ये तो थी बात टेम्परेरी के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को ये परमानेंट चाहिए तो कैसे मिलेगा आप लोग? तो गाइस अगर आप लोग किसी को इनवाइट कर देते हो तो सिंपल सा, तो आप लोगों को ये टेम्परेरी वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को परमानेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा उसको मतलब बोलना पड़ेगा कि भाई गेम को खेल, या फिर आप लोग खुद गेम को खेलना, मतलब अभी समझाऊंगा कैसे आप लोग कंप्लीट करना है। मतलब परमानेंट चाहिए तो अभी आप लोग सीधा सीधा ये जान लो, जिसको भी आप लोग इन्वाइट कर रहे हो उसको लेवल 20 तक पहुँचना रहेगा, बस सिर्फ इतना सा काम है। एंड 2 बंदे अगर लेवल 20 तक पहुँच जाते हैं तो आप लोगों को परमानेंट आउटफिट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डिटेल वगैरह जाननी है तो इधर आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करके सारी की सारी डिटेल वगैरह चेकआउट कर लेना। एंड इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें जो ये आउटफिट है वो कैसा लग रहा है मतलब दिखने में। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह का ये पूरा हमारा आउटफिट है, एंड काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। कपड़े थोड़े से इसके फटे फटे हैं, मतलब उसके अंदर ब्लड नज़र आ रहा है। तो मतलब बेसिकली गाइस एक जॉम्बी टाइप में आप लोगों को एक आउटफिट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस पूरा का पूरा आउटफिट जो कि आप लोगों को मिलेगा एकदम फ्री में। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ करना क्या है, अब स्टेप बता देता हूँ। आप लोगों को इधर नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है रिक्रूट करके, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप लोग इधर इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, वीचैट, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर और व्हाट्सएप और SMS, ठीक है, कहीं पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो। एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना, इनविटेशन आईडी है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक नई आईडी बनाओ, ठीक है। मैं अभी एक नई आईडी बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग मान लो आप लोग नई फेसबुक आईडी बनाओ और उसके बाद में उस आईडी को लॉगिन करके अपने फ़ोन में रखो और फिर पबजी मोबाइल को उस आईडी से लॉगिन कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। आप लोग ट्विटर से अकाउंट बना लो, मैं इधर ट्विटर से बना लेता हूँ एंड कनेक्ट हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह से ट्विटर से अकाउंट बना लेना या फिर फेसबुक से अकाउंट बना लेना, मतलब जैसे भी आप लोग को बस अकाउंट बनाने हैं। फेसबुक का मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग फेसबुक की आईडी अपनी जो अभी चल रही है उसको लॉग आउट करो, नई आईडी बनाओ। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे ना फेसबुक से तो वो नई वाली आईडी से लॉगिन होगा, ठीक है। एक फेसबुक से बना लेना, एक ट्विटर से बना लेना, बस ये 2 आईडी बना लेना, हो जाएगा काम। और इधर आप लोगों को रुकी पर सेलेक्ट कर देना है। एंड गाइस उसके बाद में आप लोगों को जो मेन काम करना है वो क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सेम टू सेम यही इवेंट आप लोगों के नए वाले अकाउंट में भी दिख जाएगा जो कि हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है। बाकी आप लोग इधर से मेरी लेवल देख लो, मेरी लेवल जो है वो 2 हो चुकी है। एंड गाइस इसको मैं अभी हटा देता हूँ और अभी हम चलते हैं सीधे रिक्रूट वाले पर। तो जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा रुकी रजिस्ट्रेशन, एंड इन्वाइट कोड वही है जो कि मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि कॉपी करके रख लो, ठीक है। अगर ये नहीं आता, नहीं मांगता आप लोगों से, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस इवेंट पर जाना है। एंड गाइस आप लोगों को इन्वाइट आईडी आ रहा होगा, उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे एंड आप लोगों को इधर की तरफ में पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो हम लोगों का कोड था, कोड सही से पेस्ट करना है बिल्कुल वही, और इसको कलेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, अगर कोड गलत रहेगा तो नहीं चल पाएगा, इसलिए आप लोग कॉपी करना, ठीक है। और इधर से हमने जो नई वाली आईडी है इसका काम सिर्फ इतना ही था। अब इसका काम सिर्फ ये है कि इसको हमको लेवल 20 तक लेकर के जाना है अगर परमानेंट आउटफिट चाहिए तो। तो गाइस अभी तो मैं इसको लेकर के जा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी हमारा कितना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो गाइस अभी वापस से आ गए हम अपने पहले वाले अकाउंट के अंदर, और इधर आप लोग देख सकते हो एक रेड कलर की जो लाइट है वो हाईलाइटेड हो चुकी है इस इवेंट पर। तो जैसे ही आप लोग इधर की तरफ में टैप करोगे तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो एक बंदा जो है वो ऐड हो चुका है, मेरी फोटो भी लगी हुई आ रही है। एंड गाइस वन डे के लिए मेरे को ये जो आउटफिट है वो मिल चुका है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। एंड गाइस साथ ही साथ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को इधर से अपनी आईडी उठानी है, इसको कॉपी करना है। एंड गाइस सामने वाले बंदे के नया अकाउंट बना के या फिर अपना खुद का नया अकाउंट बना के उसमें पेस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है। इधर से गाइस आप लोगों को उस बंदे की लेवल भी नज़र आ जाएगी एंड आप लोग इसको पोक भी कर सकते हो, ठीक है, इधर पोक का भी ऑप्शन है। तो जैसी लेवल 20 आप लोगों की हो जाती है दो अकाउंट की, जैसे अभी तो मैंने एक अकाउंट पर आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, ऐसे आप लोगों को एक और अकाउंट बनाना है। जब इन दोनों अकाउंट पे 20-20 लेवल पर पहुंच जाएंगे ना तो आप लोगों को ये वाला आउटफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, अभी भी समझ में नहीं आई तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आप लोग ये सारी चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस एक और बात जो आप सभी के दिमाग में होगी कि भाई ये जो आउटफिट है, इस आउटफिट को मतलब लेने के लिए कि हम लोगों को मतलब उसी के साथ खेलना है जिसने हमको इनवाइट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग किसी के भी साथ खेलो, मैंने अभी गेम खेला, अलग से खेला, बट मेरी लेवल जो है वो 2 तक पहुंच गई, तो आप लोगों का भी लेवल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और बाकी आप लोग इधर देख सकते हो ये वाला हमारा पूरा का पूरा आउटफिट है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे सारे इवेंट बहुत ही आसानी से मतलब समझने के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी, अब तो आप लोग उसी ट्रिक को अप्लाई करो, अपने नए नए अकाउंट बनाओ और उसमें अपना ही रेफर कोड डालो और उसमें आप लोग 20-20 लेवल तक खेल लो बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की जो सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।